आज आप ये निर्णय ले लीजिए कि आज से आप जो है कभी नहीं रुकेंगे। हो सकता है कि आप लड़खड़ाएं, हो सकता है कि आप गिरे भी, परंतु आपको जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक आप जो है मत रुकिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 फरवरी के करेंट अफेयर पे। और देखिए, आज के वीडियो में कुल हम 14 करेंट अफेयर पे डिस्कस करेंगे और साथ में स्पेशल पॉइंट को हम पूरी डिटेल में जानेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन अपडेट पूछेंगे, तो आपको इन 5ों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आज के नंबर की PDF लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कल के करंट अफेयर्स में पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि केंद्रीय बजट 2020-21 में 5 लाख से 7.5 लाख रुपये तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की गई है। तो देखिए, टोटल 10% टैक्स लगेगा 5 से 7.5 लाख रुपए तक की आय पर अब, और ऐसी घोषणा की गई है केंद्रीय बजट 2020-21 में। और देखिए, दूसरा प्रश्न था कि केंद्रीय बजट 2020-21 में किस योजना के अंतर्गत 20 लाख किसानों को सौर ऊर्जा पंप लगाने में मदद करने की पेशकश की गई है। तो देखिए, इस योजना का नाम है PM कुसुम योजना, और इस योजना के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। और देखिए, तीसरा था कि केंद्रीय बजट 2020-21 में भारत नेट परियोजना के माध्यम से इस वर्ष कितने लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर टू द होम से जोड़ने की घोषणा की गई है। तो देखिए, टोटल 1 लाख ग्राम पंचायतों को जो है फाइबर टू द होम से जोड़ने की घोषणा की गई है केंद्रीय बजट 2020-21 में भारत नेट परियोजना के माध्यम से। और देखिए, चौथा था कि केंद्रीय बजट 2020-21 में जल जीवन मिशन के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। तो देखिए, टोटल 3.60 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। और पांचवा था कि केंद्रीय बजट 2020-21 में ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। तो देखिए, ये अमाउंट आपका है 22,000 करोड़ रुपए। और देखिए, आप परसों का वीडियो देख के उसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपका बजट 2020-21 है तो उससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं उन सबको मैंने डिस्कस किया था उस वीडियो में। और देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने टिड्डियों की वजह से पूरे देश में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। तो देखिए, ये देश आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान में टिड्डियों का प्रकोप बढ़ गया है, इसलिए पाकिस्तान ने राष्ट्रीय आपातकाल की जो है घोषणा कर दी है। देखिए, जो आपका पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है तो वहां पर जो है इस समस्या से जूझने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की अभियाली में घोषणा की गई। तो जो आपका पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, यहाँ पर जो है जो आपकी फसलें हैं ये टिड्डियों के प्रकोप से प्रभावित हो रही हैं। और देखिए, जो आपका एक रिपोर्ट अभी हाल ही में पब्लिश हुआ था उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान को जो है इस समस्या से निपटने के लिए 730 करोड़ रुपए की जरूरत बताई गई है, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल भिखारी हो चुका है, इसके पास इतने भी पैसे नहीं हैं, और इसलिए जो है पूरे देश में पाकिस्तान ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में प्रसिद्ध लेखक और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जसवंत सिंह कंवल का निधन हो गया, ये जो है किस भाषा के लेखक थे। तो देखिए, आपको याद रखना है कि जो आपके जसवंत सिंह कंवल हैं ये जो है पंजाबी भाषा के लेखक थे, और अभी हाल ही में 101 वर्ष की आयु में जो है इनका निधन हुआ है। बहुत लंबी आयु थी इनकी। देखिए, इनको जो है 1996 में इनकी पुस्तक थी पाखी, तो पाखी पर जो है साहित्य अकादमी ने इनको फेलोशिप दी थी, और 2 सालों के बाद जो है 1998 में फिर जो है इनको इनके एक उपन्यास तौसाली दी हांसो पर जो है उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। और देखिए, जो आपके जसवंत सिंह कंवल, इनके बारे में एक खास बात यह है कि इन्हें जो है साल 2007 में पंजाब सरकार के द्वारा साहित्य शिरोमणि अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो ये डिटेल्स आपको याद रखना है जसवंत सिंह कंवल के बारे में। और देखिए, तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ में जो है आधिकारिक रूप से फिर से शामिल कर लिया गया है। तो देखिए, ये देश आपका मालदीव है, और आपको पहले बता दे रहा हूँ कि ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मालदीव जो है ये राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ से अलग हुआ था उस समय भी ये प्रश्न जो है एग्जाम में बहुत पूछा गया था। तो अभी आपको क्या रखना है कि जो आपका मालदीव है तो इसको राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ में जो है फिर से जो है शामिल कर लिया है आधिकारिक रूप से। देखिए, जो आपका मालदीव है ये लगभग 3 साल पहले जो है मानवाधिकार के मसलों पर राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ से अलग हुआ था, लेकिन बाद में ये पछताने लगा और फिर इसने जो है राष्ट्रमंडल से जुड़ने के लिए अनुरोध किया था दिसंबर 2018 में। तो अब जाके इसको फिर से जो है राष्ट्रमंडल में फिर से आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। और देखिए, कॉमनवेल्थ के बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल क्या है इसको जान लीजिए। देखिए, जो आपका कॉमनवेल्थ है ये एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है 54 सदस्य देशों की, और इसके सदस्य कौन हैं। देखिए, ये संगठन उन देशों का समूह है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। देखिए, आपको पता है कि बहुत सारे देश जो है
ये ब्रिटेन के गुलाम थे, तो जो आपके ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे उस समय, ठीक है, 1950 47 47 के पहले, ठीक है, तो वो सभी जो है कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं। और देखिए, जो आपका कॉमनवेल्थ है, इसका हेडक्वार्टर आपका है यूनाइटेड किंगडम के लंदन में, और कॉमनवेल्थ की स्थापना पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम के द्वारा की गई थी 11 दिसंबर 1931 को, तो इसको आपको याद रखना है। और देखिए, चौथा प्रश्न आपका है कि अजय बिसारिया को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो देखिए, जो आपके अजय बिसारिया हैं, ये बिहार ही में कनाडा में भारत के उच्चायुक्त अपॉइंट हुए हैं। और देखिए, जो आपके अजय बिसारिया हैं, ये इससे पहले पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त थे, इसको आपको जरूर याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, जो आपके अजय बिसारिया हैं, तो ये जो है साल 1999 से सन 2004 के बीच में जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, तो ये इनके जो है निजी सचिव भी थे। तो ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है, ये सारी की सारी आप नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। तो देखिए, ये देश अपना भारत ही है। अभी हाल ही में भारत में जो है कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, और इसमें कौन कौन शामिल है। देखिए, इस टास्क फोर्स में भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, विदेश मंत्री एस जयशंकर, गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी और नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी जो है ये शामिल हैं। तो इस टास्क फोर्स के बारे में आपको याद रखना है पूरे डिटेल में। और छठा प्रश्न है कि कौन सा राज्य प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लागू करने में सबसे आगे है। और देखिए, किसी भी योजना को लागू करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं फिलहाल प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की, और इसको लागू करने में सबसे आगे आपका मध्य प्रदेश राज्य रहा। और अभी हाल ही में इसीलिए जो भारत की केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं, इन्होंने मध्य प्रदेश की जो आपकी महिला और बाल विकास मंत्री हैं, इनका नाम है इमरती देवी, इनको और मध्य प्रदेश के प्रधान सचिव अनुपम राजन को जो है सम्मानित किया है, जो आपका मध्य प्रदेश राज्य है वहाँ पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लागू करने के लिए। और देखिए, इस योजना से जुड़े कुछ और भी फैक्ट हैं। देखिए, जो आपका मध्य प्रदेश का इंदौर जिला है, इसको इस योजना में बेहतर कार्य के लिए पहला स्थान मिला है, इसको आपको जरूर याद रखना है। और इस योजना यानी कि जो आपका ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इसके तहत पूरे मध्य प्रदेश में 14,55,000 से अधिक लाभार्थी जो है इस योजना से जुड़े हैं, तो इसको आपको याद रखना है। और देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में जो बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, जो आपका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, ये एक मातृत्व लाभ योजना है, और इस योजना को जो है 1 जुलाई 2017 को भारत के सभी जिलों में लागू किया गया था। और देखिए, इस योजना के तहत कामगार महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान अवकाश पर रहने के कारण पारिश्रमिक में नुकसान की भरपाई के लिए 5,000 रुपये देना और उनको जो है समुचित आराम और पोषाहार सुनिश्चित करना शामिल है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। इसका डेट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये कब शुरू की गई थी, मतलब इसको कब लागू किया गया था भारत के सभी जिलों में। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेड्स इनिशिएटिव के द्वारा किए गए नए सर्वेक्षण में किस देश ने पहला स्थान यानी कि शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो देखिए, ये देश आपका श्रीलंका है, और इससे जुड़े फैक्ट क्या हैं। देखिए, आपको बता दूं, जो आपका श्रीलंका है, इसको जो है विश्व स्तर पर टोटल 97 देशों की सूची में सबसे ऊपर रखा गया है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेड्स इनिशिएटिव के द्वारा, जो आपका अभी हाल ही में सर्वेक्षण किया गया था उसमें। देखिए, जो आपका श्रीलंका है, इसके द्वारा 100 में से 91 अंक हासिल किए गए सर्वेक्षण में, और इसको जो है यानी कि जो आपका श्रीलंका है, इसीलिए इसको जो है हरा कोड यानी कि ग्रीन कलर कोड जो है दिया गया। देखिए, आपको बता दूं, जो आपका श्रीलंका है, तो माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण के प्रति श्रीलंका की जो उच्च स्तरीय प्रतिबद्धता है, इसी के कारण जो है श्रीलंका को पहला स्थान यानी कि शीर्ष स्थान मिला है इस वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेड्स इनिशिएटिव के द्वारा किए गए नए सर्वेक्षण में। तो इस पूरी इन्फॉर्मेशन को नोट कर लिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में एकसी पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। तो देखिए, ये देश आपका है बांग्लादेश। बांग्लादेश में अभी हाल ही में जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इस एकसी पुस्तक मेले का जो है जो उद्घाटन है ये किया है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने। और यहाँ से जुड़े कुछ और फैक्ट हैं। देखिए, जो आपका ये एकसी पुस्तक मेला है जो कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित हो रहा है, तो इस मेले का जो आयोजन है ये बंगाली अकादमी परिसर में जो है किया जा रहा है ढाका में। और इस पुस्तक मेले का उद्देश्य है दुनिया भर में बांग्लादेश की जो कला है, संस्कृति है और साहित्य है, इसका प्रचार प्रसार करना। और देखिए, नवा प्रश्न आपका है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 का खिताब किसने जीता। देखिए, ये प्रश्न तो पहले मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ 500% की, ठीक है, ये प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, जो आपका ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 का खिताब है, इसको जीता है नोवाक जोकोविच ने। और नोवाक जोकोविच के बारे में कई बार पूछा गया कि ये किस देश के
टेनिस प्लेयर हैं। तो देखिए जो आपके नोवाक जोकोविच हैं, ये सर्बिया के एक टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष सिंगल्स टेनिस टूर्नामेंट का जो खिताब है इसको जीता है, ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थियम को 5 सेटों में हराकर। तो देखिए कौन सा खिताब किसको हरा कर जीता है, किसने ये एग्जाम में पूछा था, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दिख रही है, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसको नोट कर लीजिएगा। और ये 10वां प्रश्न है कि हाल ही में सरकार ने केंद्रीय बजट 2020-21 में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि जो आपका एसपीजी है, तो इसका जो बजट है ये 540 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपये कर दिया है। तो देखिए बजट से रिलेटेड जो आपका ये एक प्रश्न छूट गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आपका स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी है, इसका बजट अब जो है 540 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये कर दिया गया है और ये अमाउंट आपको याद रखना है। और परसों का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बजट से संबंधित बहुत सारे फैक्ट मैंने आपको बताए थे, वो एग्जाम में पूछेंगे। और देखिए एसपीजी के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए जो आपका एसपीजी है तो वर्तमान में इस समय केवल जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनको ही केवल एसपीजी की सुरक्षा मिली हुई है। देखिए जो आपका एसपीजी है ये देश की सबसे ऊंची स्तर की सुरक्षा है और एसपीजी का पूरा नाम है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और एसपीजी की स्थापना 30 मार्च 1985 को की थी। एसपीजी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का मोटो है ब्रेवरी डेडिकेशन और सिक्योरिटी। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किन्हें बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार समिति में शामिल किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में 3 लोगों को जो है बीसीसीआई की 3 सदस्यीय क्रिकेट सलाहकार समिति में शामिल किया गया है। इनके नाम हैं मदन लाल, आरपी सिंह और सुलक्षणा नाइक। और देखिए जो आपके भारतीय पूर्व क्रिकेटर मदन लाल, आरपी सिंह और सुलक्षणा नाइक हैं, इन तीनों ने इस पद पर कपिल देव, शांता रंगा स्वामी और अंशुमन गायकवाड़ का जो है स्थान लिया है इस पद पर, तो इसको आपको याद रखना है। और बीसीसीआई के बारे में ये जो आपको पेज दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न अब तक एग्जाम में पूछा चुके हैं, जैसे कि बीसीसीआई के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, तो देखिए ये आपके हैं सौरभ गांगुली जी। तो सौरभ गांगुली वर्तमान में बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। और देखिए बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी इनका नाम है जय शाह और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 में की गई थी और बीसीसीआई के वर्तमान में सीईओ हैं राहुल जौहरी। और बीसीसीआई के जो आपके वुमेन्स कोच हैं इनका नाम है WB रमन और मेन्स कोच आपके हैं रवि शास्त्री। तो ये सभी नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको जो है आप नोट कर लीजिएगा। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किस पहलवान को डोपिंग टेस्ट में नाकाम पाए जाने के बाद उन पर नाडा के द्वारा 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया। तो देखिए ये भारतीय पहलवान आपके हैं रविंदर कुमार। अभी हाल ही में रविंदर कुमार पर टोटल 4 सालों का प्रतिबंध लगाया है नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने। और देखिए जो आपका नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है इसके बारे में 2 इन्फॉर्मेशन है। पहला ये कि इसका जो फॉर्मेशन ये किया गया था 24 नवंबर 2005 में और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में। और देखिए 13वां प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध पंजाबी उपन्यासकार का मोहाली में निधन हो गया। तो देखिए ये पंजाबी उपन्यासकार आपकी थी दलीप कौर टिमाड़ा। तो दलीप कौर टिमाड़ा जो है ये एक पंजाबी प्रसिद्ध उपन्यासकार थी और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। देखिए इनको जो है पद्मश्री और साहित्य अकादमी सम्मान से जो है नवाजा जा चुका था। और जो आपकी ये दलीप कौर टिवाड़ा हैं ये पंजाबी साहित्य अकादमी की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी थी। 14वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ से अलग हो गया है। तो देखिए ये देश आपका है ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है ये आपका 31 जनवरी 2020 को, देखिए डेट याद रखना है इसलिए मैं आपको डेट बता रहा हूँ, डेट एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए जो आपका यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन है ये 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ से जो है औपचारिक रूप से अलग हो गया बिल्कुल। लेकिन एक खास बात और है, देखिए यूरोपीय संघ से अलग होने के बावजूद जो आपका ब्रिटेन है तो वहाँ पर यूरोपीय संघ के अधिकतर जो कानून हैं ये 31 दिसंबर 2020 तक जो है ब्रिटेन में लागू रहेंगे, तो इसको आप याद रखेंगे। और देखिए जो आपका यूरोपियन यूनियन है कि यूरोपीय संघ है ये भी जान लीजिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन। देखिए अब तक यूरोपीय संघ में 28 सदस्य थे लेकिन अब जो आपका ब्रिटेन है ये ऑफिशियली अलग हो चुका है तो अब जो है केवल 27 सदस्य बचे हैं यूरोपियन यूनियन के, इसको आपको जरूर रखना है, ये प्रश्न एग्जाम में जानबूझकर एग्जाम में पूछेगा। और जो आपका ये यूरोपीय यूनियन यानी कि यूरोपियन संघ है तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा चुका है कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो बेल्जियम की ब्रुसेल्स में स्थित है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट में। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते
अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति की घोषणा की है। इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से, सभी लोगों को इसका आंसर बताना है। और देखिए वीडियो को लाइक करना आप लोग भूल जा रहे हैं, तो उसको लाइक जरूर कर दिया कीजिए, ठीक है। और आपके लिए दूसरा प्रश्न है कि नेशनल गेम्स 2020 का जो आयोजन है ये किस राज्य में किया जाएगा, इसका आंसर बताइए। अगर नहीं पता तो कल का वीडियो देखिए, इसको तुरंत अलग पेज पे कहीं नोट कर लीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ, देखिए जितने भी मैं आपको गेम्स बताऊंगा 2020 में, उसको आप एक अलग पेज पे नोट करेंगे कि किस गेम में कितने पदक भारत ने जीते हैं और उसका आयोजन कहाँ पे किया गया। मतलब जितनी भी डिटेल आपको बताई जाए वो सारे एक अलग पेजेस पे, एक अलग मतलब नोटबुक में उसको अलग नोट करते रहिए, क्योंकि खेल से संबंधित जो करंट अफेयर है वो बहुत एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और देखिए आपके लिए तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के किस विमान ने जैव जेट ईंधन के 10% मिश्रण से ले हवाई अड्डे से उड़ान भरी और सफलतापूर्वक लैंडिंग की, इसका आंसर बताइए। और चौथा प्रश्न आपके लिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाले संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जिसका नाम है संप्रीति, तो संप्रीति का जो 9वां संस्करण है ये किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, इसका आंसर बताइए। और आपके लिए पांचवा प्रश्न है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक सर्वे के अनुसार भारत का कौन सा राज्य बजट बनाने के सर्वश्रेष्ठ व्यवहार के मामले में पहले स्थान पर है, इसका आंसर बताइए फटाफट। और कल का वीडियो देख के उसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स इस बात होता है, कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर्स तो वीडियो को भी लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। और देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर क्लिक करके इन सबको ज्वाइन भी कर लीजिएगा ताकि आपको यहाँ से भी GS और करंट अफेयर के अपडेट मिलते रहें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।